जी व्यूअर्स, तो आपको भी दिखाते हैं, ये देखें इनके साथ हम एक्चुअली प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे हैं। तो ये जो है माशाल्लाह भाई कोई आते हैं पाकिस्तान से, फैमिली आती है तो उनको घर घर का रेंट आउट लेके देना हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तुर्कीश लोग हैं, बिल्कुल हमारे एरिया में हमारे करीब हैं। तो आएँ अभी आपको एक घर का भी विज़िट कराते हैं। ये हमारी एक फैमिली आई है पाकिस्तान से और बड़ा ज़बरदस्त सा घर है, 2 बेडरूम है, बड़ा सा हॉल है। तो आए आपको लेके चलते हैं तो दिखाते हैं, हमारे साथ रहें वीडियो में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये अपार्टमेंट देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये देखें अपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पेंटर होते हैं, यहाँ से हवादार अपार्टमेंट है, खुला डुला, सामने एक बेडरूम, देखिए कितना ज़बरदस्त खुला बेडरूम है, वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है, सॉरी ये देखें इतनी ज़बरदस्त टाइलें लगी हुई हैं। ये बालकनी है सारी इस तरफ, ये देखें ये बाथरूम है, ये नहाने के लिए कैबिन, ये देखा ये सारी यहाँ पे जगह है, अपना वॉशिंग मशीन वगैरह फिट होगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो वॉशरूम से निकले तो सामने वाली साइड पे किचन है, फ्रिज की जगह है, कैबिनेट्स, बाहर बालकनी, किचन में भी बालकनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको एक बाथरूम ये भी है, एक रूम ये यहाँ पर है, और एक ये बड़ा लॉन्च है, वो फुल बड़े साइज का लॉन्च है, फुल हवादार। वो देखें उधर भी खिड़कियां हैं, फिर ये बालकनी है काफ़ी बड़े साइज की लॉन्च में दी हुई। अच्छा घर है, बहुत ज़बरदस्त है, इसका किराया है 1200 लीरा, ठीक है। अभी देखते हैं भाई को, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं फाइनल करा दें। जज़ाकअल्लाह। ये देखें जी, बिल्कुल ये घर की बिल्डिंग है और बिल्कुल इसके साथ स्कूल है। तो आए मैं आपको वॉक करके दिखाता हूँ कि स्कूल कितनी दूर है। ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बिल्डिंग की वीडियो बना रहा हूँ, और ये देखें जी, ये बिल्कुल साथ में स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग और घर बिल्कुल साथ में, बराबर साथ जुड़े हुए हैं। आए मैं आपको आगे से स्कूल की एंट्रेंस दिखाता हूँ। यहाँ छुट्टियों में जो है ना, वो स्कूल को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, मेंटेनेंस शुरू कर देते हैं। ये जो बच्चों को गाड़ियाँ लेके आती हैं स्कूल की, ये वो खड़ी हैं, और इन्होंने सारा स्कूल जो है ना बच्चों की छुट्टियों में रेनोवेट कर दिया है, सारी बिल्डिंग नई दोबारा, खिड़कियाँ, पेंट, हर चीज़ ज़बरदस्त से दोबारा कर दिया। ये देखें कितनी प्यारी ये गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ अगर आप लगवाना चाहते हैं, वैसे तो स्कूल जो है लोकल वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो ये गाड़ियाँ आप लगवा सकते हैं। ये देखें, ये स्कूल का मेन गेट है, बच्चे खेल रहे हैं, और ये बिल्डिंग है स्कूल की, तो बिल्कुल जो है ना वो बराबर है बिल्डिंग के, स्कूल बहुत ही करीब है घर के, 2 मिनट लगेंगे बच्चे को घर और 2 मिनट में स्कूल। व्यूअर्स देखें मौसम कितना प्यारा हो रहा है, और ये सारा ये राउंड अबाउट कितनी खुली सी जगह है, ये बिल्कुल घर के पास है। ये देखें यहाँ से भी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्कुल ये बिल्डिंग है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जगह है, आसपास बड़ी बड़ी साफ़ सुथरी सी बिल्डिंग्स हैं,
और खुला खुला एरिया है बिल्कुल। बादल बहुत प्यारे आए हुए हैं। स्टोर भी ये देखें बिल्कुल, वो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये स्टोर है बिल्कुल, सुपर स्टोर करीब ही है, हर चीज़ करीब है, ग्रोसरी स्टोर करीब है, स्कूल करीब है, मस्जिद करीब है, ज़बरदस्त लोकेशन पे है घर, खुली रोड है, हवादार है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें व्यूअर्स कितनी प्यारी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी इसमें घर लिया है। अच्छा तो व्यूअर्स, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई भी काम हो, प्रॉपर्टी परचेज करनी है इस्तांबुल में, चनाकले में, कहीं पे भी, तो कोई भी काम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ये देखें कितनी प्यारी गली है, खुली डुली, और ये यहाँ पे ये भी छोटे बच्चों का स्कूल है, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये सेकंड फ्लोर पे अपार्टमेंट है, बड़ा प्यारा ज़बरदस्त बिल्डिंग है। तो आएँ आगे लेके आपको अंदर लेके चलते हैं, और वो छोटा सा जो है ना वो अपना बच्चों का एक बेडरूम सेट किया है वो दिखाते हैं, कि बच्चों का जो फर्नीचर लिया है अभी, बाकी घर तो सेट नहीं किया, एक बेडरूम किया, तो चले आएँ वो आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स आएँ आपको दिखाते हैं जो हम फर्नीचर लेके आए हैं, कैसा लग रहा है। तो आएँ मैं आपको कमरे का विज़िट कराता हूँ, रूम सारा दिखाता हूँ, वॉशिंग मशीन भी आ गई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये अपार्टमेंट में एंटर होते साथ ही ये सामने बच्चों का रूम बनाया है, ठीक है। ये एंटर होते साथ ही ये देखें, ये स्टडी टेबल है, माशाल्लाह से कितना प्यारा ज़बरदस्त बड़ा स्टडी टेबल है, ऊपर आने रैक्स बने हुए हैं, हर चीज़ है। ये इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो है ये अलमारी है, फुल इतनी बड़ी बड़ी प्यारी अलमारी है, और बड़ा ज़बरदस्त जो है ना सारा फर्नीचर है। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये फर्नीचर हमें माशाल्लाह बहुत बहुत मुनासिब मिल गया है। और अपना अगर ये नया लेने जाए ना, सारा ये 5-6 हज़ार लीरे से पाकिस्तानी लाख 1.25 लाख से कम ना मिले, बहुत ज़बरदस्त है। अगर वैसे नया भी यहाँ पर मुनासिब मिल जाए, अगर 5-6 हज़ार में मिल जाए तो, लेकिन ये है कि ये देखें कितनी ज़बरदस्त, नीचे भी खाने हैं, सारे कपड़े रखने के लिए खाने प्रॉपर, हैंगर का ऊपर खाने, हर चीज़ तो बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके साथ ही हम इस तरफ आ जाएं तो ये देखें, ये बच्चे का जो है ना वो बेबी ड्रेसिंग है, ज़बरदस्त था और बड़ी अच्छी क्वालिटी का, हर चीज़ मटेरियल लगा हुआ है, और आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल समझें कि 0 मीटर है, ऐसे अनटच यूज़ हुआ हुआ है, साफ़ सुथरा फर्नीचर है, कोई जो है ना उसमें मसला नहीं है, ठीक है। इसके साथ हम ये आ जाते हैं, तो ये देखें जी, ये बेड सेट है पूरा, ये लाइटें जलती हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिक बेड है, हॉर्न की आवाज़ें आती हैं, गाड़ी बना हुआ है, सारा कुछ जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है ये फर्नीचर। ये मैट्रेस भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्वालिटी का मैट्रेस है, और साफ़ सुथरा देखें, मैट्रेस भी ऐसे जैसे लश बश बिल्कुल नया मैट्रेस है। अभी शॉपर चढ़े हुए थे सब चीज़ों के ऊपर, हमने खुद उतारे हैं शॉपर, बिल्कुल ऐसे रखा हुआ था जैसे किसी ने यूज़ ही नहीं किया। भाई इन लोगों को ऐसे ही है, बच्चे नखरे की ये चीज़ें ले दी, बाद में बस नहीं पसंद आया बदल दिया। ये देखें ये सोफ़ा है, और माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है ना वो सॉफ्ट नरम सोफ़ा है, बच्चा बैठे लेटे, बच्चे का पूरा जो है ना ज़बरदस्त बेडरूम तैयार हो गया। तो आएँ आपको वॉशिंग मशीन दिखाते हैं, जो वॉशिंग मशीन लेके आए हैं। ये देखें माशाल्लाह घर कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा, ज़बरदस्त टायरें हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये वॉशिंग मशीन ली है, और ऐसे लश बश वॉशिंग मशीन है, ये भी ऐसे ही है 0 मीटर, समझें कि अनटच। ये देखें फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ साइडें, देखें इसकी, कुछ मशीनें होती हैं जो जंग लगा है गली हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना वो साफ सुथरी वॉशिंग मशीन है सारी, बड़ी अच्छी क्वालिटी में मिली है।
तो इस तरह की देखें, डिपेंड करता है जूस चीज़, इस तरह की चीज़ अगर आपको अच्छी, आप ये नई वॉशिंग मशीन कम से कम ये 1.5-2 हज़ार ले रही, क्यों नहीं, तो ये अगर आपको 500-600 में मिल जाए तो बुरी नहीं है। हल्की भी मिल जाती हैं, 300 वाली भी मिल जाती हैं, 350 वाली भी मिल जाती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेटेस्ट मॉडल है, डिजिटल वॉशिंग मशीन है, तो इसलिए ये बहुत मुनासिब पैसों में मिल गई है। ये देखें, ये कारपेट है, अभी इस कमरे के सोफे वगैरह देखेंगे, लेकिन ये कारपेट भी ऐसे ही है, समझ लें जैसे बिल्कुल ज़बरदस्त साफ़ सुथरा और बड़ा प्यारा अच्छी क्वालिटी का कारपेट है। ये चीज़ आपको 100 रुपये में, मतलब 100-150 लीरे में मिल जाए, तो ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ का तो 100 रुपये ही है, यहाँ पे तो अब आप पाकिस्तानी कन्वर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान में अगर आप ये लें तो आपको ये हल्की सी कंडीशन का भी जो है 5-8 हज़ार से कम नहीं मिलेगा, तो ये आप कन्वर्ट भी करेंगे पाकिस्तानी रुपयों में तो 2-2.5 हज़ार रुपया बनता है, बहुत मुनासिब पैसे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा सारा, हमने कैसे शॉपिंग की मैं आपको सारा दिखाया है। इसके अलावा यहाँ पर घर की क्लीनिंग के लिए भी होता है कि आपने अगर जो है ना वो सफाई वगैरह करानी है या फर्स्ट टाइम करानी है या वीकली, यहाँ पर वैसे जिस तरह पाकिस्तान में हमारे रोज़ घर में आते हैं ना काम करने वाले, वो यहाँ डेली तो नहीं आते, लेकिन यहाँ होता है कि वो वीकली आते हैं, हफ्ते में एक बार आएंगे, आप घर उनको हली कर दें वो खुद ही साफ सुफ कर लेंगे, तो सारी क्लीनिंग करके अपना मोबा वगैरह लगा के जाएंगे। तो इसके अलावा जो भी वन टाइम आपने सफाई करानी है वो भी करवा सकते हैं, अगर आपने 100-200 लीरा दे के वन टाइम अच्छी तरह घर साफ करवा लें वो भी हो जाता है। तो इसी तरह आपको इंशाल्लाह मजीद डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, वीडियोज़ को लाजमी देखा करें, स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें और सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, जो लोग नए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।